सबसे पहले हम इसमें ना वी लुकअप से ग्रेड कैसे निकालें, आज हम सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे कि वी लुकअप से ग्रेड कैसे निकालते हैं। एवरेज मुझे यहाँ क्या है, पहले से मैंने एवरेज फार्मूले का प्रयोग करके एवरेज निकाली हुई है, और एवरेज के लिए क्या है, आप एवरेज फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, आपने सबने सीखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर क्या है, इस नंबर रेंज को क्या मैं सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी, और इसको कंट्रोल डी कर दीजिए ताकि सबकी जो एवरेज है वो निकल के हमें दिख जाए। अब मुझे निकालनी है ग्रेड, क्योंकि एवरेज मुझे सभी की इधर दे रखी है और यहाँ पर एक स्लैब मुझे दिया हुआ है, एक स्लैब है। अब यहाँ पर रेंज है, अगर 40 जिसकी एवरेज उसकी डी हो जाए, 60 है तो सी, 80 है तो बी, और 90 या 90 से ऊपर है तो ए। और ये स्लैब देखो इस तरह से हाँ मैंने बनाया हुआ, अच्छे ढंग से समझाने के लिए ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए, वी लुकअप से इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। अब लुकअप वैल्यू जैसे देखिए, अब मैंने जैसे यहाँ लुकअप वैल्यू मुझे ये सेल सेलेक्ट करना था, अब ये तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह अगर हमें कभी समस्या आ जाती है, हम सेल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना, एक बार ना या तो उसके ऊपर क्लिक कर दो या नीचे क्लिक कर दो, एरो से उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया ना, वैसे तो वहाँ वो फार्मूला इधर आ गया है, खिसक गया है, तो इसमें से कई बार सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, किसी सेल पर आपको उसके लेफ्ट में राइट में कहीं भी क्लिक कर दीजिए और एरो से उस सेल पर आ जाइए जो आपको सेलेक्ट करना है। कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे क्या है मेरे पास, क्योंकि एवरेज जो है ना मेरे, मुझे इस टेबल से क्या है, ये एरे हो जाएगा, ये टेबल एरे है, ये हो जाएगा टेबल एरे। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड नंबर में एवरेज दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हम टू टाइप कर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास, क्या है, दो मेथड हैं। मैं डायरेक्ट इसको ना क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे वन और जीरो नहीं ले रहा हूँ अभी, और एंटर कर देता हूँ, मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, तो आप यहां देखेंगे अभी यहां वही एरर आ गया, एन नॉट अवेलेबल। अगर मैं F2 करके नीचे एंटर करता हूं, फिर फंक्शन के F2 प्रेस किया, एंटर किया, अब देखिए ये खिसक रही ना टेबल, तो हमने क्या करना है, इसको क्या है लॉक कर देना, इस टेबल को क्या है, जो ये टेबल है इसको हम लॉक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, और यहां से क्या है इसको हम करेंगे सेलेक्ट, और फंक्शन के F4 से क्या कर दीजिए इसे लॉक कर देंगे, एंटर करेंगे, फिर दोबारा इसे क्या मैं ड्रैग करूंगा पकड़ के, तो सभी की जो है ग्रेड आ चुकी है। तो हम सी और बी दिखाई दे रहा है, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ग्रेड को ना चेंज करूंगा, एक बार मैंने यहाँ ले लिया, जैसे मान के चलो यहाँ मैंने 40 मार्क्स ले लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे डी आ गया, बी आ गया, डी आ गया और सी आ गया। अब मैं इधर आया नीचे, मैंने यहाँ 90 मार्क्स कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, वी लुकअप से भी ना ग्रेड निकाल सकते हो। जहाँ आप इफ यूज करते हैं ना, इफ लगाते, फिर इफ के अंदर इफ यूज करते, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिंपल वी लुकअप यूज किया और जो टेबल एरे था वो मैंने कर दिया लॉक, और जैसे ही हम इसे नीचे एंटर करेंगे तो सबकी जो स्लैब जो हमने बना रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप से जो है ग्रेड भी निकाल सकते हैं। ये हमारा रहा वी लुकअप से ग्रेड कैसे निकालते हैं, आगे आ जाइए। अब मेरे पास एक ऐसी शीट है जिसमें क्या है कि यहाँ पे नेम रिपीट है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, नेम से आपको नेम से क्या निकालना है, रिकॉर्ड को लुकअप करना है। अब देखिए यहाँ पे योगेश, एक ये रहा योगेश, यहाँ भी योगेश है, अमित, अमित दो और भी हैं, फिर कैसे आप इसको डेटा को यहाँ से एक्सेस करोगे, कैसे निकालोगे यहाँ से। तो इसके लिए क्या करना है, अब कंसेप्ट देखना मैं क्या यूज करूँगा, मैं एक हेल्पर यूज करने वाला हूँ इधर, आपको यहाँ पे हेल्पर की एक यहाँ पे क्या है आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे हम इधर, इक्वल मैंने आपको ना एक काउंट इफ फंक्शन कराया था, ध्यान है, टैब से सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज, रेंज में क्या करना है, मैं इस वाले सेल को, अब देखना मैं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ मैं कॉलन प्रेस करूंगा, दोबारा यही सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा यही सेल सेलेक्ट हो गया है, फिर लगाएंगे कॉमा, क्राइटेरिया में दोबारा से क्या करना, फिर यही सेल सेलेक्ट कर लेना है, थ्री टाइम आपको ना यही सेलेक्ट करना है, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, एंटर कीजिए, नीचे आ जाइए। अभी यहां हमें क्या है, 1111 ही 1 दिखाई दे रहा है, एक बार टेस्टिंग करते हैं इसकी, F2 करेंगे
पर एंटर कर दी, F2 एंटर। अब देखिए ये ना खिसक रहा है नीचे, ये खिसक रहा है, इसलिए अब हमें लॉक करने की आवश्यकता किसको है, मैं इसको लॉक करूंगा आगे से, F4 फंक्शन की थी, इसको लॉक कर दीजिए। अब इसको मैं करूंगा नीचे ड्रैग, आपने देखा जहां पे योगेश 1 है तो वहां पे 1 आ गया, जैसे दूसरा मेरा दूसरा योगेश 2 यहां पे आ गया। अब सोनू 1 था तो सोनू 1 दिखा दिया इसने, वो आगे गया तो सोनू, अगर 2 है तो 2 मिल गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, काउंट इफ हेल्पर का यहां पे हमें यूज करना होगा, ताकि जो मेरा फार्मूला है हम यहां पे लगा पाए, हम ये चेक कर पाए कि हमारे कितने हैं इसमें योगेश, योगेश कितने हैं इसमें, केवल 2 योगेश हैं, 2 ही रिकॉर्ड है। अमित कितने हैं, अमित 1 ही रहा, और अमित नीचे चेक कीजिए, अमित 3रा, 3 अमित हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे जो फॉर्मूला है इसको मैं एडिट करूंगा। हमने क्या करा, इसके सामने हम जैसे हम लिखना चाहते हैं अमित 1, अमित 2, उसके सामने क्या है नाम लिखा भी आना चाहिए, तो नाम को फिर क्या करेंगे, वही C22 को आप यहां से ना उसका एड्रेस डाल दीजिए और M% लगाइए, ठीक है। वही सेल जो मैंने उसमें क्राइटेरिया रेंज में सेलेक्ट कर रखा है, क्राइटेरियम पास कर रखा है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर अब देखिए अगर मैं इसे एंटर करता हूँ, योगेश 1 नीचे ड्रैग कर दीजिए, योगेश 1, अमित 2 और योगेश यहाँ पे क्या है हमें दिखा रहा है, ये योगेश 2 है, इसमें 2 योगेश हैं, हम चाहते हैं इसमें इक्वल भी लग जाए, बराबर जैसे हम लगाते हैं नॉर्मली, तो डबल क्लिक कीजिए और यहाँ इसमें ना क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये माइनस और डबल कोटेशन और M% फिर लगाएंगे दोबारा, क्योंकि तभी जोड़ जाएगा स्पेस को जोड़ने के लिए, और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ योगेश, देखिए तो डेटा जो मेरा योगेश 1, अमित 1, सुमित 1, तो यहाँ पे क्या मेरा रिकॉर्ड निकल के आ चुका है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ अमित है, कोई भी नाम है उसका हमें क्या है रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है सर्च करना है। पहले तो हम ये चेक कर लें कि सर टोटल जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो कितने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ मैं इक्वल, यहाँ पे मैं काउंट इफ यूज करूँगा दोबारा से, ठीक है। इस रेंज को मैं कर लूँगा सेलेक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया अमित है, मुझे चेक करना कि अमित इसमें कितने हैं, टोटल 3 अमित हैं इसके अंदर जो रिकॉर्ड है, इसमें टोटल जो अमित हैं वो कितने हमारे 3 हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं ना VLOOKUP में फार्मूले को इस तरह ही इसको मैं ऐड करूंगा, जिसमें क्या है नाम पहले आए फिर 1 बाद में आए, उसको इस तरह जोड़ेंगे हम VLOOKUP से। तो थोड़ा सा मैं सीट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब मैं आऊंगा इधर। अब देखिए यहां मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है इधर, अब जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे ना, तो जितने आपने यहां ड्रैग कर रखा है उतना ही नीचे तक रोल नंबर जनरेट होंगे अपने आप ही, जैसे 5 है तो 5 तक ही चलेगा, आगे जनरेट नहीं होगा, रोल नंबर जनरेट ही नहीं करेगा। तो पहले ना 1 ले लीजिए आप, हमने क्या ले लिया 1। अब कंसेप्ट देखिए इक्वल, तो यहां मैंने क्या करा, इफ फंक्शन अप्लाई करा, इफ मैंने इफ यूज करा, इस वाले 1 में एक 1 ऐड करने पर, एक जोड़ने पर, अगर ये ग्रेटर देन इससे ज्यादा हो जाता है, और मैंने इस क्लास में आपको पिछली बार कराया भी था, अगर इसे ज्यादा हो रहा है तो कॉमा इसको क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, नहीं तो क्या हो, नहीं तो क्या इस वाले 1 में एक प्लस कर दिया जाए। ओके कीजिए, आप इसे नीचे ड्रैग करना। अब यहां पर देखिए 4 भी आ गया है, अभी नीचे ना सेल खिसक गया है, मेरा जो सेल था वो नीचे ना खिसक गया है। अब किसको लॉक करना है, इसको ना F4 की से क्या है एक बार लॉक कर दीजिए, और फिर इसको नीचे ड्रैग कीजिए, तो हट गया ना ऑटोमेटिक ही वहां से जो रोल नंबर जहां तक हमें लेने थे वहां तक जनरेट हो गया। और जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया तो 4 तक जनरेट हो रहा है, जबकि हमारा ये नेम के हिसाब से चलेगा, क्योंकि नाम 3 और 3 के हिसाब से वो सीरीज जनरेट होगी इधर। अब मुझे क्या करना, VLOOKUP देखिए हम कैसे सेट करेंगे, अगर मान लो आगे ये ड्रैग करने पर आपको एरर देता है तो इसमें ना हम क्या है यहाँ पे इफ भी यूज कर सकते हैं, इक्वल इफ एरर तो लुकअप वैल्यू में क्या ले लिया मैंने, सारा फंक्शन लुकअप वैल्यू के अंदर पास कर दिया, वैल्यू में पूरा दे दिया हमने इफ वाला, और नहीं तो ब्लैंक कर दी जाए।
और इसको दोबारा नीचे ड्रैग कर दीजिए तो फिर आपको एरर भी दिखाई नहीं देगा। जहाँ वैल्यू में एरर आ रहा था, हमारे पास वैल्यू हैज एरर, वो दिखाई नहीं देगा हमें। अब देखिए वी लुकअप हम कैसे सेट करेंगे। इक्वल वी लुकअप, पहली लुकअप वैल्यू क्या है, आप देखेंगे यहाँ इस सीट के अंदर नाम पहले है, तो नाम को मैं पहले सेलेक्ट करूंगा इधर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा उसके साथ में क्या है, रोल नंबर है, फिर 1 2 3 इस हिसाब से निकालना है हमें। तो यहां हम क्या करेंगे, अब मैं यहां पे ना एम परसेंट लगाऊंगा, तो वहां पे ना क्या है, दो डॉट हैं, ठीक है। तो सेम बिल्कुल जो वहां आपने फॉर्मूला यहां पे डबल कोटेशन के अंदर आपने क्या लिखा, दो माइनस फिर ये, और हमने क्या करा, फ्री से डबल कोटेशन और एम परसेंट, फिर रोल नंबर को जोड़ दीजिए। कौन से रोल नंबर को, इस रोल नंबर को। हमने क्या करा, पहले नेम है तो नेम लिया, फिर वहां पे वही सेमी कॉलन माइनस, फिर उसको जोड़ दिया किससे, रोल नंबर से, कॉमा। टेबल एरे क्या है, टेबल एरे में आप ना टेबल को कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए यहीं से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि लुकअप वैल्यू तो यहीं पे है ना, जो हमने लुकअप वैल्यू फाइंड आउट किया वो तो पहले ही कॉलम में दे रखी है। फिर हम लगाएंगे क्या यहाँ पे, कॉमा, मुझे उसका नेम चाहिए, तो नेम उसका कितने उसमें सेकंड कॉलम में है, 2 कॉमा, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम आप क्या करेंगे, 0 ओके कीजिए। अब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। इसकी टेस्टिंग करने के लिए F2 करेंगे, एंटर कर दीजिए, F2 कीजिए एंटर। आप देखें खिसक क्या आ रहा है, टेबल भी खिसक रही है, नाम भी खिसक रहा है और रोल नंबर भी खिसक रहा है। देखो रोल नंबर भी खिसक गया, ऊपर से क्या है अमित, ये भी खिसक गया, ये भी खिसक गया, टेबल भी खिसक गई। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को लॉक करेंगे। पहले मैं F4 जैसे लॉक कर दिया, दूसरा फिर हमने क्या करा, इसको भी लॉक कर दिया, तीसरा टेबल जो एरे थी हमने उसको भी F4 से लॉक कर दिया। अभी देखना मैं इसे आगे ड्रैग करता हूँ, अभी अमित मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों, जबकि अमित तो वहाँ नहीं आना चाहिए। अब दोबारा टेस्टिंग कीजिए, F2 एंटर। देखो टेबल तो सब कुछ फिक्स है मेरे पास, रोल नंबर ही फिक्स है अपनी जगह पर, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास। अभी मैं क्या करूँगा, एक बार जो मेरी ये वैल्यू है यहाँ पे, इसको यहाँ से एक बार मैं अनलॉक कर देता हूँ। F4 को प्रेस कीजिए और एक एक करके फिर मैं इसे टेस्ट करूँगा सारा। मैं इधर आया, मैंने इसे आगे ड्रैग कर दिया, तो आप देख रहे हैं अन्य हमें दिखाई दे रहा है। फिर से मैंने F2 किया, एंटर, F2 एंटर। देखो रोल नंबर जो है रोल नंबर ही खिसक रहा है हमारा, तो रोल नंबर को ना हम क्या करेंगे, अब रोल नंबर कौन सा है, ये वाला है, इसे ना आप आगे से लॉक कीजिए, एक शिफ्ट के साथ ही डॉलर प्रेस कर दीजिए। अभी मैं आगे से लॉक कर रहा हूँ, फिर मैं इसे आगे ड्रैग करता हूँ, तो रिकॉर्ड मुझे अमित ही दिखाई दे रहा है अभी भी। अब ऐसा क्यों, अमित क्यों आ रहा है, क्योंकि अमित का तो हम रिकॉर्ड निकाल चुके हैं यहाँ से, अमित 1। अब ये फिर कमी कहाँ है, अभी मैं ये जो लॉक है ना, ये वाला भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं फिर ड्रैग कर रहा हूँ। अभी देखिए रिकॉर्ड नहीं आ रहा है हमारा। अब ऐसा क्यों है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं जनरेट करके दे रहा है मुझे, सीट तो हमारी जगह, फार्मूला भी ठीक है, हर चीज़ हमने यहाँ पे ठीक है अप्लाई की है, पर रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है हमारा, ऐसा क्या रीज़न है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मुझे ना कॉलम वाइज रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए कॉलम वाइज रिकॉर्ड। जहाँ पे मैंने 2 राइट कराया ना, उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, कॉलम्स फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस सीट के अंदर से पहले 2 कॉलम जो है उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, पहले वाले को F4 की से क्या है लॉक कर दीजिए, एंटर कीजिए। अच्छा उसमें 0 आ गया है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 और एंटर, इसको अब ड्रैग कीजिए, रिकॉर्ड आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना तीनों जो अमित थे उन सबका रिकॉर्ड चाहिए, मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, आप देखेंगे नीचे तो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, फॉर्मेट नीचे खिसक चुका है, पर नीचे NA नहीं दे रहा है। अब NA क्यों नहीं दे रहा है, अब देखिए NA यहाँ क्यों नहीं आ रहा, आप देख रहे हो ये नीचे खिसक गया है, ये जो कॉलम है ना ये क्या है, अमित की बजाय ये नीचे आ गया, तो हिंदी तो लाके नहीं देगा हमें ये। तो अब हमें क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे आके इसकी जो रो है उसको भी लॉक करना होगा। एक बार एंटर कीजिए, फिर से मैं क्या है नीचे ड्रैग कीजिए,
देखा जैसे ही मैंने क्या करा, इसके इसको जैसे ही मैंने लॉक करा, ये तो मेरा चेंज होगा, क्योंकि जब मैं नीचे आऊंगा ना, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अभी रोल नंबर 1 सेलेक्ट है ना, इधर जब मैं इस पे आया तो रोल नंबर 2 पे खिसक गया, नहीं खिसक गया, कॉलम लॉक कर रखा है मैंने, आगे जाए तो चेंज ना हो, नीचे जब मैं आऊँ तो रो चेंज ना होनी चाहिए, रो अपनी जगह क्या है वो चेंज होगी, क्योंकि रोल नंबर नीचे आएंगे, तो इसलिए मैंने उसे ना ओपन छोड़ दिया है। इसको क्यों ओपन नहीं छोड़ा, क्योंकि ये अमित ना यहीं से तो निकल के आएगा, अमित नहीं मिलेगा फिर लुकअप वैल्यू क्या निकालेगा, कुछ नहीं देगा हमें। तो ये इस विधि के द्वारा क्या है, हमारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं, जब हमारे पास क्या है डेटा में दो नाम आप एक साथ दे रखे हैं, तो आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे ना अप्लाई करने होंगे, तभी आपका जो रिकॉर्ड निकल के आ सकता है। तो मैंने देखो यहाँ पे जब मैं 2 टाइप कर रहा था तो मैनुअली वो हमारा रिकॉर्ड ला के नहीं दे रहा था हमें, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम्स फंक्शन का प्रयोग करा, ऑटोमेटिकली जहाँ तक हमारी टेबल होगी वहाँ तक क्या है मुझे रिकॉर्ड ला के मेरी सीट से मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे ना आपको इन लॉक जो हमने लॉक करे हैं इनका थोड़ा ध्यान देना है, आगे वाली क्लासों में इन लॉकों का ही खेल है, ठीक है, किसको लॉक करना है किसको नहीं करना है, तो इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ समझ में आएगी। आगे अगले कंसेप्ट हम आते हैं, अगला कंसेप्ट हमारे पास है कि हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जैसे मैं अमित है, अमित हाईलाइट हो रहा है इधर, जैसे मैंने सोनू को कॉपी करा इधर, यहाँ एंटर कर दिया, सोनू जो थे वो हाईलाइट हो गए, ये कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए, सेलेक्ट करेंगे टेबल को, इधर आता हूँ मैं, क्लियर रूल पे जा रहा हूँ और एंटर सेलेक्ट योर सीट। अब कैसे हम जितने भी हमारे नेम हैं इधर वो कैसे हाईलाइट हों, तो इस टेबल को कर लीजिए आप सेलेक्ट, फॉर्मेटिंग पर आ जाइए, न्यू रूल, इधर आ जाइए, और यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे इक्वल, और मैंने बताया कि जो चीज़ बाहर से हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको तो हमें लॉक को छेने जरूरत नहीं है, फिर इक्वल लिखेंगे, और इसके बराबर, क्या इस सोनू के बराबर है, तो मैंने बताया था कि इसका जो लॉक है वो कौन सा हटाना होता है मुझे, कौन सा लॉक हटाऊं, मुझे रो का लॉक हटाना है, कॉलम का नहीं हटाएंगे, रो का लॉक हटाना है। फॉर्मेट पे आए गए, फिल पे चले गए, इधर आएंगे और एक कलर मैंने जो है यूज कर लिया, तो आप देखेंगे जब भी आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड आप सर्च कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक वही जो रिकॉर्ड है वहाँ पे वो फिल्टर हो जाएगा, वो आपका हाईलाइट भी हो जाएगा, तो इस तरीके से आप उसे हाईलाइट भी करा सकते हैं। अगला है कोई आप ये पूछने लगे क्वेश्चन में कि MI सेंटर लेवल वी लुकअप बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें मैंने ना एक ही बार में सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो क्या है लुकअप मैंने कर रखे हैं। अब ये कैसे करोगे, ये देखिए इसमें क्या है, मैं अलग से क्या कर रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ और इस एरिया को यहाँ से मैं पहले मर्ज कर लेता हूँ, मैंने मर्ज कर दिया इसे, ठीक है, और इसको हम क्या यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पे इक्वल, सबसे पहले जैसे हिंदी के मार्क्स आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे डबल कोटेशन में HIN हिंदी, और यहाँ पे इसके अंदर ही आपने ये पास कर दिया, फिर क्या एम्परसेंड लगाएंगे वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, जो लुकअप वैल्यू है मेरे पास क्या है, जैसे मुझे रोल नंबर 2 का देखना है 3 का देखना है, तो रोल नंबर 2 है कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, तो मुझे इसके हिंदी के मार्क्स चाहिए, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कौन से कॉलम में है, सेकंड में ही तो दिखा रखे हिंदी के मार्क्स भाई, 1 2 फर्स्ट में तो ये है और सेकंड में हमारे हिंदी के मार्क्स हैं 2, 0 ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, फिर यहाँ एम्परसेंड लगाएंगे, और यहाँ पर ना कैर, कैर क्या है एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर ना आप 10 टाइप कर दीजिए इसके अंदर, देखिए कैर यानी 10 जो है प्रयोग न्यू लाइन के लिए किया जाता है, जैसे नई लाइन हम लेंगे तो अभी समझाएंगे कैसे आती है, फिर यहाँ पर मैंने एम्परसेंड लगाया, फिर से क्या है अब मुझे किसके मार्क्स निकालने इंग्लिश के, तो हमने क्या लिख दिया इंग्लिश, इसी के अंदर हमने इक्वल और ये फ्रेम परसेंट लगाएंगे, फिर क्या है मैंने वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है रोल नंबर 2 ही है मेरे पास, फिर कॉमा लगाया टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट कॉमा, तो तीसरे नंबर में है इंग्लिश 3, 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करेंगे एम्परसेंड कैर, कैर में क्या है वही 10 पास कर दीजिए यहाँ से 10, फ्रेम परसेंट दोबारा से, फिर क्या करेंगे डबल कोटेशन, अब किसके मार्क्स हैं, अब है मैथ, यहाँ पे हमने ये फ्रेम परसेंट लगाया, फिर हमने क्या यूज करा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है रोल नंबर 2, फिर यहाँ पे कॉमा टेबल एरे में करेंगे कंप्लीट टेबल को कर लेंगे हम सेलेक्ट कॉमा, अब कौन से उसमें है 4 नंबर पे है 4, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे ये ना कुछ इस तरह से दिखाई देगा रिकॉर्ड,
आपको क्या करना है, आपको रैप टेस्ट कर देना है इसे, और देखिए आपका रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। रैप टेस्ट जरूर करना है बाद में, रैप टेस्ट निकल के आपका रिकॉर्ड यहाँ आएगा नहीं निकल के। तो इस तरीके देखिए मैंने एक ही साथ कैर फंक्शन का प्रयोग करके जो है वो यहाँ से मैंने सभी का जो रिकॉर्ड है वो निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप VLOOKUP का प्रयोग करके ग्रेड निकाल सकते हैं। जब नाम रिपीट हो रहे हैं तो उसमें हेल्पर कॉलम का प्रयोग करके, काउंटिफ का प्रयोग करके क्या है, आप वहाँ से एक साथ सभी बच्चों का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो, भाई कौन से अमित के हैं, फर्स्ट वाले के हैं, सेकंड वाले के, थर्ड वाले अमित का रिकॉर्ड आया है। और हमने एक साथ क्या करा, एक साथ VLOOKUP का प्रयोग करके मैं सारा सारा जो कंप्लीट रिकॉर्ड ना एक व्यक्ति का मैं प्राप्त भी कर सकता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पर रोल नंबर करूँगा चेंज, मैंने ले लिया 8, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्लिक से उसका जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया रोल नंबर 8 का। चाहते हो कि ये भी हाईलाइट हो जाए तो क्या करोगे, इस टेबल को कर लीजिए आप सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाइए, न्यू रूल्स पे आइए, इधर आ जाओ और यहाँ पे इक्वल ये रोल नंबर बराबर, इसके लॉक नहीं छेड़ने हैं ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा ये वाला था। फिर हमने लिया क्या इसके बराबर है, हाँ इसके टेबल में जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके जो लॉक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे भी खिसके तो इसके रो के लॉक हमें हटा देने होंगे, ये पिछला लॉक हटाना होगा। तो फॉर्मेट पे हम आएंगे, कलर्स जो है आप लेना चाहें वो यूज कर लीजिए यहाँ से। ये देखिए अब मैं आप रोल नंबर जैसे ही मैं चेंज करूँगा 1, ये देखिए 1 का रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया, मैंने लिया 3 का हाईलाइट हो गया, तो मैं साथ में क्या रिकॉर्ड भी ना मैच यहाँ पे हम करा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारी 45 नंबर की जो क्लास है VLOOKUP रिपीटेड वैल्यू की, आज हमारी क्लास हुई है ख़त्म। और कल इससे भी एडवांस क्लास होने वाली है, जिसमें हमारे पास ना अलग अलग क्या है रिकॉर्ड होंगे, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, फिर 10th क्लास के देखो यहाँ पे नेम मोबाइल नंबर एड्रेस आगे पीछे कर रखे हैं रिकॉर्ड, फिर इसी तरीके से एड्रेस नेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आगे पीछे। तो इस रिकॉर्ड को आप किस तरीके से इनडायरेक्ट फंक्शन का प्रयोग करके एक क्लिक से आप कैसे निकाल पाओगे, कल वाली क्लास में आपको ना वो फंक्शन कराऊंगा इसके अंदर।